अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारे पास जनरली एक ट्रेंड है, टेंडेंसी है, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट पर्सन में, जो आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े या इस तरह के मसाइल होते हैं, उसमें फेक एफआईआर की भी कोशिश करना, या अगर एक्चुअल इंसिडेंट है तो उसमें फेक ओवर नॉमिनेशन की करना, तो ये एक रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिकली तो वो कंप्लेनेंट की तरफ से ही होता है, उसका जो भी मोटिव हो। अब पुलिस का काम है एफआईआर, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, मर्डर है या कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट है, तो एफआईआर तो होगी, लेकिन उसमें डायरेक्शन मेरी बिल्कुल बड़ी क्लियर है और सख्त डायरेक्शन है कि कंप्लेनेंट तो अपने तौर पे कह रहा है, लेकिन पुलिस का काम है कि वो एरिया में से वेरीफाई करे और इस चीज़ को डिस्करेज करे, इस प्रैक्टिस को, कि जो मुलव्वस उसमें नहीं है, जो आपकी इंक्वायरी में पता चल जाता है इनिशियली, उन नामों को एफआईआर में शामिल करने के लिए हम रजिस्ट करते हैं बिल्कुल, चाहे वो किडने अबडक्शन के केस होते हैं, बच्चियों के अपने मंथ की इंतहा तक पहुँचा। इसमें भी हमने पूरा डिस्क्लोज नहीं किया अभी, लेकिन हमारा मेन काम इसमें हो चुका हुआ, जो केस की डिटेक्शन वाला एलिमेंट है, क्योंकि इनिशियली जब केस हुआ तो वो अननोन था, मतलब उसमें ब्लाइंड मर्डर है ये भी एक तरीके से, जिसमें पता नहीं एक मुलजमान कौन है, तो वो हमने काम ऑलमोस्ट में कंप्लीट कर लिया हुआ है। जो डिटेक्शन वाला पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट्स को कस्टडी लेने वाला पार्ट है, वो कर लिया हुआ है। कोई एक दो लोग रहते हैं जो कि मतलब एस्केप हुए हैं कुछ दूर के एरियाज़ में, वहाँ हमें टीम्स भिजवानी पड़ेंगी उनको अप्रीहेंड करने के लिए, अदरवाइज वो हमारा केस भी वर्कआउट हो चुका है। अच्छा, नाकाम करने की कोशिश की जा रही है या इसके पीछे कोई और असबाब है? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी को कामयाबी या नाकामी की, ये सारी अल्लाह ताला के इख्तियार में चीज़ें। आज के दिन पे ये दो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। अगर आप देखें कि प्रीवियस वन वीक में, संडे से ऑनवर्ड्स यस्टरडे फ्राइडे तक, और उससे आप पिछला वीक अगर कंपेयर करें, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। जो नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स हैं वो मेरे पास तो रोज़ का आता है, मैंने सितंबर का पूरा देखा, उसमें कोई 20+ सिर्फ कैश स्नैचिंग इंसिडेंट्स थे सिर्फ सितंबर में। तो लास्ट वन वीक में यस्टरडे तक, आज के दो को अगर हम एक्सक्लूड करें, तो उसमें हार्डली एक इंसिडेंट था बकरानी रोड वाला, जो कि ऑलरेडी ट्रेस्ड है और उसमें कुछ सस्पेक्ट अरेस्टेड भी हैं, मतलब वो हमारा काम कम्प्लीट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है वन वीक में, आज के दिन पर ये दो इंसिडेंट्स हुए हैं, और इस पे हम बिल्कुल पूरा काम करेंगे और इनको फाइंड आउट करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।